एक स्टेटमेंट चाहिए था सर आपसे, अगर हो हाँ, सकता है तो। अगर स्टेटमेंट मुझे जब देना है ना, 100% मैं आपको सूचित करूंगा मैडम। जी ठीक है सर। नहीं अभी आप आज भी एक स्टेटमेंट दिया है ना कि शायद दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब करके। हाँ जी हाँ वो इसलिए मैं आपको तुरंत मैसेज और प्रेस नोटिस में देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस में है, जी यानी कल वो नोटिस तैयार की गई और मुझे आज दिया गया, जी यानी हम इनको 24 आवर्स मौका दिए है, इन्होंने जवाब नहीं दिए इसलिए आज इनको अरेस्ट करा। ऐसा भी एक पिक्चर ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज। जी तो हाँ ये इसलिए आपको लग रहा है कि आज ये लोग फिर से कुछ कोशिश करेंगे? देखिए, कल मुख्यमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर को ले लेकर, जी तो मुख्यमंत्री जी, डीजीपी और ऑल कमिश्नर, बस अभी क्या उनको भी एक ईगो आ गया कि भाई जी वो हमारे को लॉस हो जाएंगे। आप क्या पॉलिटिकल एंगल से वो लोग कैसा भी कुछ ना कुछ करना बोलते, वो लोग विचार करो, तो जी सर अभी लीगली अपन स्ट्रांग है, क्योंकि हाँ रूल ऐसा नहीं है, आप नोटिस देने के बाद में 7 दिन का समय होता है, मैं अगर आपको जवाब नहीं देता हूँ तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ठीक है क्या होगा देखेंगे अपना जी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। जी ठीक है सर। सर बस अगर आप किसी चैनल के लिए बैठ रहे हैं प्लीज सर, हम आपका नहीं बिल्कुल जो मैडम, पूरा बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपको भी पता है, हम जैसे आपके पीछे ही पड़े हैं कि आपका लाइन जी, सही है बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, बिल्कुल मैडम, अगर एक भी लाइन हम अभी सेंटेंस कुछ ले सकते हैं सर, कि आप वीडियो कुछ बना के नहीं भेज इसलिए सकते मैंने हैं? आपको, नहीं राइटिंग मैंने आपको भेज दिया है, इसको जी आप आज यूज कर सकते हैं। जी अगर ऐसा मुझे यानी कुछ भी, अगर मेरा एडवोकेट कहता है कि आप वीडियो रिलीज कर सकते हैं, तो मैं तुरंत कर दूंगा आपको। जी ठीक है सर। बिकॉज हम अभी आपके घर के पास ही थे, हम लोग आपके जी घर के जी जी बाहर ही हम लोग कुछ लाइव कर रहे थे, तो मैडम, जी मैडम, इसलिए पूछ रहा था अगर 2 मिनट भी हो सकता है आपके पास तो। जी हमारा एडवोकेट जी अगर बताएंगे तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। जी ठीक है सर।